So hello ji, welcome back to a new vlog. My name is Prateek. And I'm Himanshi. And as you have already seen in our last video that right now we are in Chiang Mai. We are in the old city of Chiang Mai up in the mountains of Thailand. और आज के वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे एक बहुत ही फेमस टेंपल एंड व्यू पॉइंट में और बहुत सारे कैफेज़ भी दिखाएंगे. बहुत सारा एक हमारा पूरा दिन का आइटनरी प्लान्ड है. बट टू स्टार्ट ऑफ वी आर टेकिंग यू टू दिस ब्यूटीफुल कैफे. इट्स कॉल्ड इनटू द वाइल्ड, इनटू द जंगल और इनटू द वाइल्ड. वहाँ जाके बताऊँगा मैं आपको. इनटू द वुड्स, यस, बिकॉज शी डिड ऑल द रिसर्च. सो वो कैफ़े बहुत ही यूनिक सा बना रखा है इन्होंने यहाँ पे. और इस कैफ़े में आपको डिज्नी और हैरी पॉटर वाले थीम के सारी चीज़ें मिलेंगी. सबसे पहले हमने मंगाया कुछ मीठा, बिकॉज दिन की शुरुआत मीठे से करेंगे हम. एंड देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि ये क्या है. हमने शायद गंदी प्लेट मंगा ली है, बट इट्स एक्चुअली अ डिश, स्पॉन्ज केक. वी गोना हैव दिस एंड मीनवाइल वेट फॉर फूड. हमने खाना मंगाया, प्रॉपर थाई फूड मंगाया है हमने. एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पर किसी भी कैफे में, चाहे वो जितना फैंसी दिख रहा हो, आप इजीली जाओ विदाउट वरिंग अबाउट द कॉस्ट. बिकॉज यहाँ पे सब कुछ ही सस्ता है. तो ये हमारी ड्रिंक आ गई. ये हमने एक मंगाया था डेविल्स मोका. एंड इसके ऊपर आप देखो कि डेविल भी बना हुआ है छोटा सा. सो जी अभी हम आए हैं दोई सुतेप में. एंड दोई सुतेप बेसिकली माउंटेन टॉप पे बना हुआ है. यहाँ पे दोई का मतलब ही थाई भाषा में माउंटेन होता है. एंड हम आए इस टेम्पल में जो कि एक माउंटेन टॉप पे है. और बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टेम्पल इज़ द व्यूज़. यहाँ से आपको ज़बरदस्त चियांग माई सिटी के पूरे व्यूज़ आते हैं 360. और हमारे इस बार की चियांग माई ट्रिप में हमने इस टेम्पल को रखा था एक प्राइमरी पार्ट हमारे आइटनरी का. तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं और फटाफट चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं ये टेम्पल के नज़ारे. और इस टेम्पल में आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स चलना पड़ता है. सो जस्ट FYI, रेडी हैं आप? चलिए. ये तो सो गई थी, अभी ड्राइव करके आ रहे थे हम. तो अगर आप सिटी से यहाँ पे आना चाहते हो ना चियांग माई से, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स ड्राइव. तो आप कोई भी वो रेड सोंगथाओ लेके आ सकते हो, नहीं तो आप ग्रैब टैक्सी से भी आ सकते हो. सोंगथाओ का चार्ज होता है अराउंड पर पर्सन 100 to 150 baht के बीच में. नेगोसिएशन ऑब्वियसली आपके ऊपर डिपेंड करता है. एंड सेकेंडली आप ग्रैब टैक्सी से भी आ सकते हो, नहीं तो आप बाइक जो स्कूटर रेंट करोगे उससे भी आ सकते हो. अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 kilometers के आसपास है. 30 to 35 minutes लगते हैं आने में. तो जी ये प्रॉपर बहुत बड़ा सा एरिया है यार. यहाँ पे कॉफ़ी प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स, अरे भाई भाई, स्मूदीज, दुकान, सब कुछ बना रखा है. एंड ऑब्वियसली दोई सुतेप काफ़ी फेमस है और यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं. इनफैक्ट लोग यहाँ पर सुबह के टाइम आफ्टर सनराइज़ या फिर प्रॉब्ली सनसेट के आसपास ही आना पसंद करते हैं, बिकॉज दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है. और आपको यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेयर्स हैं जो क्लाइंब करके ऊपर जाना पड़ता है. तो जी यहाँ वॉशरूम्स भी हैं बट पेड है. तो हमें साइन बोर्ड दिखा तो एज़ यूजुअल वॉशरूम तो जाना ही है बिफोर गोइंग एनीवेयर. एज़ यूजुअल यार ये तो बहुत बड़ा सा मार्केट प्लेस बना रखा है ना. सब कुछ बिक रहा है यहाँ पे. मतलब लिटरली अगर आपको ऐसा हार्ट इफेक्ट्स कुछ ऐसा सुविनोर टाइप खरीदना है तो आप यहाँ से भी लेके जा सकते हो. इट्स सो ह्यूज. नीचे की तरफ भी थे शॉप्स और यहाँ पे भी है. चले अंदर, काफ़ी ऊपर जाना लग रहा है. तो इसकी हालत तो अभी से ख़राब हो चुकी है स्टेज देख के. हाँ जी वो वैसी हालत हो गई. तो वैसा बेचारा लेटा है. आई एम श्योर थोड़ी देर में ये भी ऐसी लेटी होगी. तो अगर आप गूगल मैप्स पर डालोगे ना दोई सुतेप, तो आपको दोई पू की तरफ लेके जाएगा स्ट्रेट स्ट्रेट. बट आप इस रास्ते पे आओगे एक बहुत बड़ा सा टेंपल एरिया नज़र आएगा. आपको वहीं रुकना है बिकॉज ये जो रास्ता है ये डायरेक्ट आपको दोई सुतेप लेके जाती है स्टेयर्स. वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड. इनकी तो सांसें फूल रही हैं. अच्छा अच्छा. तो यहाँ पे थाईलैंड में ना डुअल प्राइसिंग चलता है. कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको एंट्री टिकट में हमेशा डुअल प्राइसिंग देखने के लिए मिलेगा. लोकल्स के लिए फ्री है बट फॉरनर्स को यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है. सो वी हैव टू गो बाय टिकट्स फर्स्ट. 30 baht का टिकट है यहाँ पे. टेम्पल का नाम है, एक्चुअल नेम है वात फरा थक दोई सुतेप. डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो, उससे आपको ईजी रहेगा सर्च करने में. और साथ ही साथ कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए दैट वे इज़ बी इजी फॉर यू टू फाइंड.
तो जी अगर आपको आपने शॉर्ट्स पहने हैं और आपको कवर करने के लिए कुछ चाहिए तो आप यहाँ से आके ले सकते हो, जैसे हमारे गुरुद्वारे में भी होता है ना, कवर करने के लिए देते हैं। कैसे करते हैं? आपको बांधना है टॉवल की तरह। तो ये जो स्टिक्स वाला इनका है शायद, जो हमने पहले वीडियोस में भी बताया है, दे शेक द स्टिक्स विच एवर ड्रॉप्स, उस पर भी एक नंबर लिखा होता है। उस नंबर का आज हमने देखा कि यहाँ पे सब साइड में लगा हुआ है मैसेजेस एज पर द नंबर्स। तो बहुत सारे टेंपल्स में ना आपको ऐसे बुद्धा की लेटी हुई मूर्ति भी मिलेगी जो कि डिपेक्ट करती है बुद्धा के लास्ट के डेज के बारे में। यही है टेंपल का जो मेन बात है, जो डोम है अभी आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही डिटेल्ड और मतलब कैसे मैं बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो जी टेंपल कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा है ना, बट हम अभी थोड़ा धीरे बात कर रहे हैं और ज़्यादा बकबक नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज आई मीन जस्ट वॉन्ट टू मेंटेन द पीस ओवर हेयर। बाकी आप आपने जो शॉट्स देखे टेंपल के, आई होप यू आर लाइक डेट। अब यहाँ पे चलते हैं, एक व्यू पॉइंट है जो हम कवर करना चाह रहे हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जी हम आ चुके हैं व्यू पॉइंट पे। आपको आई एम नॉट श्योर कितना क्लियरली नज़र आ रहा होगा बिकॉज कैमराज ऑब्वियसली कैन नॉट डू जस्टिस। बहुत ही ज़्यादा गज़ब का व्यू है, यहाँ से पूरा का पूरा चियांग माई सिटी हमें नज़र आ रहा है। आई मीन दिस इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। उससे भी मज़ेदार चीज़ क्या है कि हमें यहाँ से एयरपोर्ट नज़र आ रहा है, सामने पूरा का पूरा रनवे है, तो आपकी जो फ़्लाइट्स टेक ऑफ करेंगी वो यहाँ से करेंगी। और हम अभी खड़े हैं, आई 100% श्योर कोई ना कोई प्लेन आएगा अभी जो यहाँ पे लैंड करेगा उसका मैं शॉट निकालूंगा फ़ोन से। जी मैं ये बता रहा था कि ये जो चियांग माई एयरपोर्ट मेरे को सामने नज़र आ रहा है, तो मैंने खोला फ़्लाइट रेडार और मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई प्लेन उड़ेगी तो बढ़िया शॉट आ जाए, हमें भी कुछ नज़ारे दिखें। तो मुझे नज़र आया कि चियांग माई टू बैंकॉक की एक फ़्लाइट है जो अभी रनवे पे, और मेरे को यहाँ पे दिख भी रही है, वो अभी यू टर्न ले रही है वहाँ पे। ऐसे इस पे तो नज़र नहीं आएगा बट मैं ऐसे शॉट्स डाल दूंगा, तो ज़रा इसका एक टेक ऑफ के शॉट्स उठाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं कि कैसा लग रहा है। तो जी वी आर बैक इन चियांग माई टाउन फ्रॉम दोई सुतैप, और अब हम जा रहे हैं, एक कैफ़े है जिसके बारे में हमने देखा कि उसके थोड़े अच्छे रिव्यूज़ थे। वो कैफ़े बेसिकली जिस एरिया में है, आज उस एरिया में नाइट मार्केट लगी है बिकॉज ऑब्वियसली टुडे इज़ संडे राइट। बेसिकली वीकेंड पे यहाँ पे नाइट मार्केट्स होती हैं, वो पूरी की पूरी स्ट्रीट को ही बंद किया हुआ है। इस चक्कर में हमें गाड़ी पार्किंग पीछे की तरफ करना पड़ा, अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 600 मीटर्स की वॉक है। उसके बाद आपको भी ये नाइट मार्केट थोड़ा घुमाते हैं और दिखाते हैं नाइट मार्केट कैसा है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि यहाँ पे ना लाइक ए सेड, आप जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी उससे थोड़ा सा आगे हम वॉक करके आए तो वहाँ पे भी लिटरली एक बहुत सुंदर सा टेंपल था। तो यहाँ पे हर जगह आपको ऐसे सुंदर सुंदर टेंपल्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पे इतना बड़ा सा एक टेंपल है और इस टेंपल के अंदर मानो ये ट्री देख कितनी बड़ी है, इट्स अ ह्यूज ट्री इनसाइड दिस कॉम्प्लेक्स। लग रहा है इसको कुछ पसंद आ चुका है फाइनली यहाँ पे। I like this. काफी डिफरेंट है ना? So it can be a handbag and it can be a backpack. And handmade है ये. So we finally found the first thing that we're gonna try in this market. बताइए जी. Do you know what you're gonna try? Cheese potato and corn. Cheese potato and corn. Yeah. तो जी यहाँ पे अब देख लो, टोस्टेड कॉर्न एंड स्वीट पोटैटो वन सेट हमने ऑर्डर किया है, पोटैटो एंड चीज़, इट्स वेरी हॉट। काफ़ी सारा मेरे ख्याल से ये लगा बटर इसके ऊपर। जी हम बैठ गए यहाँ कोने में, इस जहाँ से हमने लिया काफ़ी भीड़ लग रही थी, एंड यू राइट, टेस्ट इज़ ऑल्सो प्रीटी गुड। अच्छा है ना मानो, लाइक इट। एंड ये दो आइटम के, एक तो ये, दी अदर आइटम इज़ दिस। इन दो चीज़ का हमने पे किया अराउंड 118
118 बात, विच इज़ रिलेटिवली गुड एंड ये बहुत सही है चीज़ पर रेट बहुत अच्छा है। ये जो मार्केट है ना ये सिर्फ संडे को लगती है, इस चक्कर में यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मतलब लिटरली इट्स सो डिफिकल्ट टू इवन वॉक। इन्होंने साइड में तो लगाई है, बीच में भी इन्होंने ये प्रॉपर स्टॉल्स लगा रखे हैं सामान बेचने के लिए। करना है जी, खाना है जी वॉफल्स आपने? हाँ आ जाओ आ जाओ। कौन सा खाना है? कोई भी ले लो। एंड प्राइसेस आर लाइक रियली रियली चीप। ज़्यादा फिलिंग नहीं है फॉर द प्राइस वी हैव पेड। आप इसकी क्वांटिटी देखो जी, एंड हाउ मच वी हैव पेड, आई थिंक 50 राइट, 60 बात में तो ये तो क्रेजी है यार। दिस इज़ विद न्यूटेला बनाना, थोड़ा सा उन्होंने चॉकलेट भी स्प्रेड किया है एंड न्यूटेला भी। अच्छा गुड, नहीं आप खाओ खाओ आप जी। इस मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, ये नाइट मार्केट जो संडे को लगता है यहाँ पे, ओ भाई साहब मतलब आई कैंट एक्सप्लेन, मतलब चलने की जगह नहीं थी बट हम फिर भी किसी तरीके से मार्केट से बाहर निकल के आ गए। सो राइट नाउ वी हैव कम टू दिस कैफ़े, इट इज़ कॉल्ड ग्रेविटी कैफ़े। दिस इज़ वेरी नियर टू वाथफरा सिंह टेम्पल। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, बट दिस कैफ़े की खासियत ये है कि भाई ये रात को 12 बजे तक ओपन होता है एंड दिस कैफ़े इज़ गॉट रियली रियली गुड रिव्यूज़। तो हमने सोचा कि यहाँ पे आते हैं, कॉफ़ी पीते हैं एंड प्रॉब्ली हैव समथिंग लाइट, फिर चलेंगे डिनर करने एंड आई थिंक देन वी विल कॉल इट अ डे। एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है देन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सब्सक्राइब के लिए बोल दो भाई आप भी एंड बेल आइकन को भी प्रेस करके जाना। बेल आइकन तो पुराना हो गया, तो सब्सक्राइब कर दो यार, बस वही बहुत है। सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो और लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट ज़रूर करके जाना। तो दोस्तों के साथ शेयर करो यार, शेयर भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा खासा वॉक हो गई हमारी, वो जो चियांग माई वॉकिंग स्ट्रीट है जो संडे को होती है, लाइक इट्स सो बिजी एंड आई थिंक देर इज़ नो बेटर वे टू फिनिश द डे देन टू हैव सम इंडियन फूड। सो वी हैव कम टू दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड ड्रिल ऑफ पंजाब, ओल्ड टाउन में एकदम सेंटर में लोकेटेड है। आई थिंक आपको ज़्यादा पसंद है ना, इसके पराठे बहुत अच्छे हैं, आलू के पराठे, और बहुत ही सही होमली सा वाइब है अगर आप देखो, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो हमने अपने लिए मंगाया है बटर चिकन, रोटी, चाय और पापड़ी चाट, चिकन टिक्का मसाला। आई थिंक हम ही लोग इंडियन है यहाँ पे। थैंक यू। इंडियन फूड खाए हुए आई थिंक बहुत टाइम हो गया था, हमने उस वीडियो में खाया था अदर साइड ऑफ बैंकॉक, उसमें हम वो गए थे ना इंडियन रेस्टोरेंट में। आई थिंक उसके बाद से अभी तक तो हमने कोई भी इंडियन फूड खाया नहीं है। सो चियांग माई में थे कल, हमने थाई फूड खाया, उससे पहले भी थाई फूड खाया, सुबह से कुछ ना कुछ तो खा ही रहे हैं। तो हमने सोचा कि भाई इंडियन फूड ट्राई करते हैं ना, आपको भी बताते हैं, सो दैट एनी बडी इज़ प्लानिंग टू कम टू चियांग माई यू कैन टेक दिस रेस्टोरेंट एज अ रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर साइड बिकॉज वी हैव बीन हियर बिफोर एंड वी पर्सनली लाइक इट, सो व्हाई नॉट। वो इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पे हम गए, ग्रिल ऑफ पंजाब, इट वॉज ओके ओके। आज पता नहीं क्या, आज हमारी किस्मत में मे भी अच्छा खाना लिखा ही नहीं है, आज इतना मज़ा नहीं आया, बट एनी वेज लास्ट टाइम हम जब गए थे तो अच्छा खाना था। तो इफ़ एनी बडी वॉन्ट्स टू ट्राई तो अपने हिसाब से आप देख लेना, बट एनी वेज राइट नाउ वी आर एट थापे गेट। थापे गेट एक्चुअली ओल्ड चियांग माई का एक सेंट्रल पॉइंट आप कह सकते हो। आप मेरे पीछे देख रहे हो पूरा ये वर्ल्ड सिटी है और इसके साथ में एक छोटा सा ऐसे सिटिंग एरिया और ऐसा एक बेसिकली एक वर्ल्ड सिटी के आसपास का एक एरिया है। तो यहाँ पे अगर आप वीकेंड पे आते हो तो यहाँ पे पूरा मार्केट लगा होता है, जैसे मतलब इंडिया में भी वीकेंड मार्केट्स लगते हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी फ्रूट मार्केट कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होता है, फूड एंड एसेसरीज एंड क्लोथिंग बेसिकली एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ सब कुछ बिक रहा होता है। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मेन एरिया यही है यहाँ पे, सारे जो आपको ये मैकडोनल्ड्स भी दिख रहा है, इस तरफ आपको स्टारबक्स भी नज़र आएगा, ये सारे यहाँ पे बर्गर किंग सब कुछ ओपन होता है 24/7 एंड देयर इज़ अ को वर्किंग स्पेस एज वेल पीछे कूल मुआंग के जस्ट नेक्स्ट, तो वो रात भर खुला रहता है 24/7। तो आइए जी चलते हैं उस तरफ, वहाँ पे बहुत सही लाइटिंग हो रखी है, तो चलते हैं ज़रा उसको भी फटाफट देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ पे डेकोरेशन स्टार्ट हुई थी न्यू ईयर्स के अराउंड, बट अभी तक यहाँ से इन्होंने हटाया नहीं है पूरा डेकोरेशन आप देखोगे। और जब हम आए भी थे तो हम इसी रास्ते आए थे, वो हमने अपने फर्स्ट डे वाली वीडियो में भी वो शॉट्स डाले हैं।
गेट के ऑपोजिट एक कैफ़े है कॉल्ड कूल मुआंग कॉफ़ी, और इसकी कॉफ़ी एक्चुअली में बहुत अच्छी है, सो हमारी तरफ से रिकमेंडेड है. बट एनी वेज आई थिंक विल कीप द वीडियो टिल हेयर एंड आई होप यू ऑल लाइक इट. बाकी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट डाउन बिलो एंड विल बी कमिंग सून विथ अनदर वीडियो फ्रॉम अनदर लोकेशन इन द माउंटेन्स ऑफ थाईलैंड. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड या विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.